हेलो स्टूडेंट्स, सो मैं आपको बता दूं, जिसका आप वीडियो देख रहे हो वो खुद एक इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स रह चुकी है। यस, आई एम इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स एंड आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2017। सो इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको ये नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ताकि एग्जाम हॉल में आप अपनी लैंग्वेज में बना पाओ एक बेस्ट परफेक्ट आंसर। सो ओवरऑल ड्यूरिंग वीडियो जितनी भी स्टोरी टेलिंग होने वाली है पूरी हिंदी में होगी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। एंड आई नो अबाउट द टिपिकल लैंग्वेज ऑफ कॉलेज बुक्स एंड इंटरनेट लैंग्वेज टू। सो इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी कहीं भी कुछ भी समझने में। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिल्कुल, बिकॉज एक एक चीज़, एक एक पैराग्राफ, एक एक इवेंट और जगह, एक एक कैरेक्टर एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आपने इतना सा भी स्किप करा वीडियो, सो आई एम डैम श्योर कि आप पूरी नॉवल में घूम जाओगे कि नॉवल में चल क्या रहा है। ओके, सो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज़ इस नॉवल में एक दूसरे से लिंक्ड है। तो नॉवल के राइटर यानी कि नॉवलिस्ट तो आपको अब तक पता चल ही गए होंगे, जेन ऑस्टन हैं। तो चलिए अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप मेरा एक एक पॉइंट बहुत ही गौर से सुनेंगे एंड आई एम सजेस्टिंग यू प्लीज टेक अ नोटबुक विद यू। आप अपने साथ एक नोटबुक लेकर बैठिए, बेटर ऑप्शन फॉर यू। सो नाउ यू आर थिंकिंग व्हाट इज दिस आई हैव रिटन ऑन बोर्ड। तो ये कैरेक्टर्स हैं नॉवेल्स के, ठीक है। मैंने कैरेक्टर सबसे पहले इसलिए लिखे हैं बिकॉज आपको कैरेक्टर्स पता होने चाहिए कौन से मेजर कैरेक्टर हैं और कौन से माइनर कैरेक्टर्स हैं, यानी कि किन का जो रोल है वो मेन है और किन का जो रोल है वो बहुत कम है, ठीक है। तो आपको सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स पे ध्यान देना है जिन्होंने मेजर रोल लीड किया है नॉवल में, जिन्होंने अच्छा काम किया है, मेन रोल प्ले किया है। तो ये सारे मेजर कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले आपको सब इनका रिलेशन पता होना चाहिए कि किसका रिलेशन किससे क्या है, ओके। क्योंकि जब आप फिर नॉवल रीड करोगे देन आप अच्छे से लिंक कर पाओगे कौन सा पैराग्राफ में क्या बात कही जा रही है और किसके बारे में कही जा रही है, ठीक है। क्योंकि जब हम नॉवल रीड करते हैं तो अचानक से बीच में कोई ऐसा कैरेक्टर आ जाता है जो हमें पता नहीं होता ये कहाँ से उठ के आ गया, और वो सडनली हमें कंफ्यूज कर देता है, ओके। सबसे पहले आप कैरेक्टर्स देख लीजिए। ये है मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट, ये आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। नॉवल में इनकी 5 बेटियां होती हैं, लेकिन 5 में से सिर्फ 3 बेटियां ही जो है मेन रोल प्ले करती हैं, एलिजाबेथ, जेन एंड लिडिया। ये आपस में सिस्टर्स हैं, किनकी, इनकी बेटियां हैं, ओके। लेकिन जो एलिजाबेथ है वो हीरोइन है नॉवल की। मिस्टर बिंगले एंड मिस्टर डर्सी, ये दोनों कौन है, ओल्ड फ्रेंड्स, ठीक है। ये दोनों बहुत पक्के फ्रेंड्स हैं, और जो डर्सी है वो नॉवल का हीरो है, ओके। मिस्टर विकम, ये नॉवल का विलन है, ठीक है। कौन है ये विलन, लेकिन इसका रिश्ता क्या है, सन ऑफ स्टेवर्ड ऑफ डर्सी फादर। ये जो डर्सी है, डर्सी के जो फादर है यानी कि जो इसके पापा हैं, इसके पापा के मैनेजर का वो बेटा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में बचपन से साथ पले बड़े हैं। मिस्टर कॉलिन, मिस्टर कॉलिन कौन है, कजन ऑफ मिस्टर बेनेट। ये जो मिस्टर बेनेट है इनका ये कजन है। मिस किंग, मिस किंग का कोई खास रिलेशन नहीं है, लेकिन ये आप माइनर कैरेक्टर समझ सकते हो, ठीक है। थोड़े से और कैरेक्टर्स और हैं, 4-5 और, वो भी आप देख लीजिए। एक है लेडी लुकस। लेडी लुकस कौन है, वो जो मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट थे ये उनकी नेबर है, ठीक है, नेबर ऑफ बेनेट फैमिली। और इसकी एक डॉटर है जो मेजर रोल प्ले करती है नॉवल में, उसकी डॉटर कौन है, चार्लेटी लुकस, चार्लेट लुकस। ये कौन है, लेडी लुकस की डॉटर है। और एलिजाबेथ की बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, एलिजाबेथ जो हीरोइन है नॉवल की, ये उसकी कौन है, फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। फ्रेंड ऑफ एलिजाबेथ, ठीक है।
अब कुछ आप एक आंटीज भी देख लो, क्योंकि पूरी नोवेल में आंटियों के यहाँ बहुत ज्यादा विजिट हुआ है। मिसेस फिलिप कौन है? एलिजाबेथ की आंट ऑफ एलिजाबेथ। ठीक है। मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर, मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर ये भी कौन है? एलिजाबेथ के आंट एंड अंकल। आंट एंड अंकल ऑफ एलिजाबेथ। ठीक है। एलिजाबेथ की जो मदर होती है ये उनके भाई हैं और ये उनकी भाभी है। एंड लास्ट वन इज लेडी कैथरीन डी बोर। और ये जो लेडी कैथरीन है ये कौन है? डर्सी की आंट है। कौन है? डर्सी की आंट, आंट ऑफ डर्सी। ठीक है। ये थोड़ा विलन टाइप रोल प्ले करती है, इसलिए ये भी एक मेजर रोल है। सो कैरेक्टर्स आर कंप्लीट। चलिए अब सीधा नोवेल की स्टोरी पर चलते हैं। नोवेल की स्टोरी करने से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस पूरे दौरान एक तो जगह का ध्यान रखना है कि कौन सा इवेंट है, कौन सी जगह पर वो किया गया है। ठीक है। और उस इवेंट पर क्या क्या बातें हुई हैं कैरेक्टर्स के बीच। ठीक है। तो आपको एक तो जगह ध्यान रखनी होगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा घुमाऊ नोवेल है। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह लोग जा जाके बातें कर रहे हैं, तो वो सब आपको धीरे धीरे कैप्चर करना है अपने माइंड में। सो आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है लॉन्ग बॉर्न से। कहाँ से? लॉन्ग बॉर्न, ये एक जगह का नाम है। जितने भी नेम ऑफ प्लेसेस है वो मैं रेड पेन से लिखूंगी और बाकी का स्टोरी ब्लैक से। ठीक है। तो जब भी मैं रेड पेन यूज करूं समझ जाना वो एक जगह का नाम है, लॉन्गबॉर्न। और ये है नीदरफील्ड पार्क। ठीक है। जस्ट इमेजिन करते जाना साथ साथ अपने माइंड में, जैसे लाइक यू आर वॉचिंग अ ड्रीम। जब आप एक सपना देखते हो सब कुछ इमेजिनरी चल रहा होता है, वैसे ही आपको ये स्टोरी आपके साथ अपने माइंड में इमेजिन करते हुए चलना है। लॉन्गबॉर्न एंड नीदरफील्ड ये दो जगह के नाम हैं। ये जो लॉन्गबॉर्न है नीदरफील्ड पार्क के पास है, यानी कि ये आपस में दोनों जगह क्या है? नेबर है। लॉन्गबॉर्न नियर बाय नीदरफील्ड, ये दोनों आपस में जगह पास पास है, यानी कि ये नेबरहुड टाइप है। अब लॉन्गबॉर्न में कौन रहता है? बेनेट फैमिली। बेनेट फैमिली लिव्ड लॉन्गबॉर्न में, बेनेट फैमिली रहती है। और इसके अंदर कौन कौन रहता है? मिस्टर बेनेट थोड़े इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। ठीक है। ये थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं। और मिसेस बेनेट, मिसेस बेनेट इनकी वाइफ, ये थोड़ी कम इंटेलिजेंट होती हैं, लेस इंटेलिजेंट। ओके। और इनकी शादी को 23 साल हो जाते हैं, फिर भी जो मिसेस बेनेट है जो अपने हस्बैंड को अच्छे से नहीं जान पाई होती है, यानी कि इनका जो केमिस्ट्री होता है वो 23 सालों में भी अच्छे से नहीं बन पाता। और इनकी 5 डॉटर्स, और कौन रहता है यहाँ पे? 5 डॉटर। लेकिन 5 डॉटर्स में से सिर्फ 3 ही डॉटर हैं जो तो अच्छा रोल, मेन रोल प्ले कर रही हैं। वो कौन कौन है? एलिजाबेथ, जेन एंड लीडिया। ठीक है। ये 3 डॉटर्स। जो मिसेस बेनेट होती है उनका सिर्फ एक ही ड्रीम होता है अपनी लाइफ में कि मेरी बेटियों की जो है शादी हो जाए अच्छे घर में। ठीक है। और जो इनका फैमिली बैकग्राउंड होता है वो फाइनेंशियली वीक होता है, यानी कि आपको इन्हें पॉवर्टी लाइन में डाल सकते हो। ठीक है। मिडिल क्लास में आप डाल सकते हो। ओके। फाइनेंशियल बैकग्राउंड इनका वीक है और इनकी माँ का एक ही सपना है, मेरी बेटियों की अच्छे घर में शादी हो जाए। अब आ जाते हैं नीदरफील्ड में। एक दिन मिसेस बेनेट को
ये जो मिसेस बेनेट है इनको पता चलता है कि हमारे पड़ोस में कोई रहने आया है। ओके, पड़ोस में पता चल जाता है ना कि हाँ वो रहने आए हैं इस टाइप से। और यहाँ पे कौन रहने आए होते हैं? मिस्टर बिंगले। मिस्टर बिंगले नीदरफील्ड पार्क में रहने आए होते हैं, यानी कि ये घर लेते हैं यहाँ पे और रहने लगते हैं और ये इनके नेबर बन जाते हैं। ठीक है, तो मिसेस बेनेट अपने हस्बैंड से कहती है कि हमारे पड़ोस में एक न्यू पड़ोसी आए हैं, तो हमें जाकर उनका हालचाल पूछना चाहिए, ठीक है, वेलकम करना चाहिए। बट मिस्टर बेनेट कहते हैं, मिस्टर बेनेट इंटरेस्टेड नहीं होते हैं जाने में। वो कहते हैं कि तुम चली जाओ और अपने बेटियों को भी ले जाओ, ठीक है, इस टाइप से। तो ये सुनकर मिसेस बेनेट और ये जो डॉटर्स हैं खुश हो जाती हैं कि हमें परमिशन मिल गई है जाने की। ठीक है, फिर ये लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, यहाँ पे इनका अच्छा खासा मिलना जुलना होता है। उसके बाद ये घर आ जाते हैं मिसेस बेनेट और ये इनके एक रिटर्न विजिट का वेट करती हैं। ठीक है, फॉर रिटर्न विजिट। ठीक है, एक होप होती है ना जब आप कहीं जाए तो आप भी उन्हें इनवाइट करके आए कि आप भी आइएगा हमारे यहाँ इस टाइप से। ठीक है, तो मिसेस बेनेट ये सोचती है ये कब अपना रिटर्न विजिट करेंगे। तो बहुत ही जल्द ये भी इनके घर आते हैं मिलने, लेकिन ये इनकी बेटियों से नहीं मिलते और ना ही मिसेस बेनेट से मिलते हैं, ये सिर्फ मिस्टर बेनेट से मिलते हैं। मिस्टर बेनेट के ही साथ मिलते हैं, वो भी 10 मिनट के लिए लाइब्रेरी में, ओनली फॉर 10 मिनट्स इन लाइब्रेरी। लेकिन जो इनकी डॉटर्स होती हैं वो इन्हें छुपके से देख रही होती हैं। ठीक है, मिसेस बेनेट के दिमाग में ये चल रहा होता है कि इस तरह से मिलाप या मिलना जुलना करने से हो सकता है शादी की बात बन जाए। ठीक है, तो इसलिए वो ये सब करती हैं। फिर मिस्टर बेनेट जो है बिंगले को डिनर पे इनवाइट करते हैं, लेकिन बिंगले डिनर पे आने के लिए मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हाँ, ये डिनर पे आने के लिए मना कर देते हैं। और ये बात सुनकर मिसेस बेनेट जो है दुखी हो जाती है कि वो हमारे यहाँ डिनर क्यों नहीं करेंगे, ऐसी क्या बात हो गई, ब्ला ब्ला। तो जो मैंने बताया था कैरेक्टर में एक लेडी लुकस होती है, लेडी लुकस इनकी नेबर ही होती है, लॉन्ग बॉन्ड में ही रहती है। लेडी लुकस मिसेस बेनेट को इन्फॉर्म करती है कि जो मिस्टर बिंगले हैं उनको लंदन जाना है और लंदन में एक जगह है बॉल एक जगह का नाम है। ठीक है, लंदन में उनको जाना है और वहां पे उनको पार्टी अटेंड करनी है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन वो मिसेस बेनेट को देती है। तो मिसेस बेनेट ये सुनकर रिलैक्स फील करती है, चलो ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब नेक्स्ट लोकेशन आती है हमारी बॉल में, यानी कि अब ये लोग सब मिलके कहाँ जा रहे हैं, पार्टी अटेंड करने, लंदन बॉल। तो अब आ जाते हैं पार्टी में, पार्टी बॉल की पार्टी जो कहाँ हो रही है, लंदन में। ठीक है, तो ये सारे लोग जो है पार्टी में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है बिंगले प्रेजेंट होता है एंड हिज टू सिस्टर, और इसकी दो बहनें भी होती हैं जिसमें से एक मैरिड होती है एक अनमैरिड होती है। जो मैरिड होती है वो अपने हस्बैंड के साथ ही आई होती है। ठीक है, फिर डर्सी भी प्रेजेंट होता है, बिंगले और डर्सी ओल्ड फ्रेंड्स हैं। मिसेस हर्स्ट एक माइनर कैरेक्टर है, एलिजाबेथ, जेन और मिसेस बेनेट ये तीनों भी पार्टी में होते हैं, और चार्लिटी लुकस यानी कि जो एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड है वो भी पार्टी में होती है। तो पार्टी में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस डांस वांस होता है, ये सब एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। लेकिन हाँ, डांस करते टाइम जो मिस्टर बिंगले होता है वो सबके साथ डांस कर लेता है। मिस्टर बिंगले का जो नेचर होता है वो बहुत ही लविंग, बहुत ही वार्म होता है, ये आसानी से सबके साथ घुल मिल जाते हैं। लेकिन जो डर्सी है, जैसे कि नोवल का नाम है प्राइड एंड प्रेजुडाइस, तो जो प्राइड है वो डर्सी के लिए यूज हुआ है और जो प्रेजुडाइस है वो एलिजाबेथ के लिए यूज हुआ है। ठीक है, सो जो डर्सी है वो थोड़ा अपने गुमान में रहता है। ओके, इसमें थोड़ा सा गुमान होता है, थोड़ा सा कंसीट यानी कि घमंड टाइप होता है, ये हर किसी के साथ डांस नहीं करता है। ये सिर्फ मिसेस हर्स्ट के साथ डांस करता है और जो बिंगले की अनमैरिड सिस्टर होती है उनके साथ डांस करता है। लेकिन ये जो बिंगले है ये डर्सी से बोलते हैं कि तुम एलिजाबेथ के साथ डांस करो। ठीक है, शी इज टू ब्यूटीफुल, वो कितनी सुंदर है, तुम्हारे साथ डांस करते टाइम वो अच्छी लगेगी। तो डर्सी का रिप्लाई आता है, ये धीरे से बोलता है कि नो,
आई विल नॉट डू डांस विद एलिजाबेथ, मैं एलिजाबेथ के साथ डांस नहीं करूँगा, वो मेरे टाइप की नहीं है और वो इतनी दिखती भी नहीं है आकर्षित, इतनी अट्रैक्टिव भी नहीं है जो मेरे साथ डांस करते टाइम वो अच्छी लगे, ठीक है। बस इतना ही होता है पार्टी में, और बाकी कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिल जुलते हैं, बिंगले जेन से मिलता है, ये से मिलती है, ओके। तो पूरी नोवेल में जो कपल्स बनते हैं, एक तो जेन और बिंगले का कपल बनता है, जेन और बिंगले का कपल, वो कैसे बनेगा वो मैं अभी बताऊंगी, लेकिन हाँ पार्टी में बस इतना ही हुआ है जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। और एक एंड में कपल बनता है डर्सी और एलिजाबेथ का, ये आप नोट कर लो। लेकिन इन दोनों को मिलने में, इन सबको आपस में मिलने में बहुत ही टाइम लगता है, क्योंकि वो जो विलन है विकम, वो भी अपना रोल प्ले करेगा। तो चलिए पार्टी से निकलते हैं। अब पार्टी से निकलने के बाद ये जो बेनेट है, एलिजाबेथ, मिसेस बेनेट और जेन, ये वापस से लॉन्गबोर्न आ जाते हैं। अब मैं लॉन्गबोर्न की तरफ चलती हूँ। तो अब हम वापस से लॉन्गबोर्न आ गए हैं, पार्टी खत्म हो गई है, ठीक है। तो मिसेस बेनेट घर पहुंचकर मिस्टर बेनेट को कहती है कि आपको भी पार्टी में प्रेजेंट होना चाहिए था, हमारे साथ पार्टी में चलना चाहिए था, क्या पता वहाँ पे हमारी डॉटर्स के लिए कोई एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, इस टाइप से बातें होती हैं। और जो एलिजाबेथ और जेन होते हैं, एलिजाबेथ एंड जेन होते हैं, ये भी पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि पार्टी में उन्हें कौन कौन मिला, किसका क्या रिएक्शन था, किसने क्या कहा, इस टाइप से। जेन जो होती है वो बिंगले की तारीफ करती है, ठीक है, शी एडमायर्ड बिंगले, इसकी तारीफ करती है, और धीरे धीरे ही वो इसको यहाँ से मन में पसंद करना शुरू कर देती है। शी स्टार्टेड फॉन्डनेस टुवर्ड्स हिम, यानी कि पार्टी के बाद से जब ये बिंगले से मिलके आई होती है तो अब ये मन ही मन उसको लाइक करने लगती है। और उधर जो है दूसरी तरफ डर्सी और बिंगले, वो भी एलिजाबेथ और जेन के लिए अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं, इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, डर्सी एंड बिंगले। बिंगले जो है सबकी तारीफ करता है, लेकिन जो डर्सी है वो हर किसी की तारीफ नहीं करता है। वो बिंगले से कहता है जेन अच्छी दिख रही थी लेकिन वो हंस कुछ जाता ही रहती, ठीक है, यानी कि हर इंसान में थोड़ी कमियां ज्यादा निकालता है डर्सी। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, अगले दिन इनके घर पे एलिजाबेथ से मिलने ये आती है इसकी बेस्ट फ्रेंड चार्लेटी, ठीक है, ये आती है मिलने, और ये इसको बताती है एलिजाबेथ को कि मैंने पार्टी में चुपके से सुना कि जो बिंगले है वो जेन की तारीफ कर रहा था, लेकिन जो डर्सी है उसने तुम्हारे साथ डांस करने से मना कर दिया और तुम्हें कहा कि तुम उसके साथ अच्छी नहीं लगोगी डांस करते टाइम। तो ये सुनते ही जो एलिजाबेथ होती है वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है, ठीक है, क्यों गुस्सा होती है कि डर्सी को अपने रूप पे, अपने पोजीशन पे, अपने स्टेटस पे इतना ज़्यादा प्राउड है, इतना ज़्यादा घमंड है, इतना ज़्यादा कंसीट है इस वजह से। तो एलिजाबेथ भी अपने मन में ठान लेती है, अपने मन में ठान लेती है कि वो भी डर्सी के आगे कभी नहीं झुकेगी, ठीक है, ये क्या खुद से ही प्रॉमिस करती है कि मैं डर्सी के आगे अब कभी नहीं झुकूंगी और ना उससे बात करूंगी, मीन्स अगर ये एटीट्यूड दिखाएगा तो मैं भी एटीट्यूड दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहीं पर जो है, इसी पॉइंट पर एलिजाबेथ के अंदर जो प्रिजुडाइज का सीन है, सीड ऑफ प्रिजुडाइज इज जर्मिनेटेड इन एलिजाबेथ, ठीक है। प्रिजुडाइज का क्या मीनिंग होता है, जनरली पक्षपात, यानी कि सबसे अच्छे से बात करेगी लेकिन डर्सी से थोड़ा भेदभाव करेगी, ठीक है। तो डर्सी अपनी प्राइड के साथ रहेगा नोवेल में, और जो एलिजाबेथ है वो अपनी प्रिजुडाइज के साथ रहेगी। तो अब देखते हैं कि ये दोनों आपस में एंड में मिलेंगे कैसे। सो गाइस, उस इंसिडेंट के बाद लॉन्गबोर्न और नीदरफील्ड की जो लेडीज होती हैं, मिसेस बेनेट, यानी कि जो फैमिली की जितनी भी लेडीज होती हैं, उनमें कॉलिंग शुरू हो जाती है, यानी कि बातचीत शुरू हो जाती है कॉल्स पे, और आना जाना, मिलना जुलना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंगेजमेंट ऑफ कॉल्स बिटवीन लेडीज ऑफ बेनेट फैमिली
केवल उन बिंगले की सिस्टर्स ही होती हैं। तो जो बिंगले की सिस्टर्स होती हैं, बिंगले सिस्टर्स, दे डोंट लाइक मिसेस बेनेट एंड देयर यंगर डॉटर्स। ये मिसेस बेनेट को पसंद नहीं करती हैं और ना ही उनकी छोटी बेटियों को पसंद करती हैं। लेकिन हाँ, ये जो है जेन और एलिजाबेथ को लाइक करती हैं, उनसे ये ठीक तरह से बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। बाकी ये बेनेट फैमिली में किसी भी अदर लेडी को पसंद नहीं करते हैं। इसी दौरान, इन्हीं बातचीत के दौरान, चाहे वो कॉल से हो चाहे वो मिलने पर हो, जो जेन है और जो बिंगले है, मिस्टर बिंगले, जेन और बिंगले के बीच यहीं से जो है अफेयर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि यहीं से जो इनका रिलेशनशिप है वो ग्रो होता है। बिंगले जेन की तारीफ करते हैं और जेन बिंगले की तारीफ करती है, और इस तरह से बातचीत बढ़ती बढ़ते इनका जो है अफेयर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप नोट डाल लेना, अफेयर स्टार्ट। उधर डर्सी और एलिजाबेथ, उन दोनों के बीच भी बातचीत होती है, लेकिन इतनी खास बातचीत नहीं होती है। डर्सी एंड एलिजाबेथ, डर्सी जो है एलिजाबेथ को जानने की कोशिश करता है कि वो किस टाइप की लड़की है, उसका कैसा नेचर है, तो वो थोड़ी बहुत इससे बात करता है। लेकिन जो एलिजाबेथ है वो अपने प्रेजुडाइज के साथ बनी रहती है पूरी नोवल में, ठीक है। ये वही सोचती है कि अब मैं नहीं झुकूंगी इसके आगे, ये ऐसा है वैसा है, खुद घमंडी सा है, और अपने आगे किसी को भी ये अच्छा नहीं समझता है, ज़्यादा बेटर नहीं समझता है, खुद को ही दूसरों से बेटर समझता है। इस बात से एलिजाबेथ अभी तक गुस्सा ही रहती है और अपनी प्रेजुडाइज के साथ बनी रहती है। तो इन दोनों के बीच कुछ खास ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है। सो सडनली वन डे क्या होता है, जो जेन होती है वो कहीं जा रही होती है, उसे रास्ते में ही कोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है इसे? कोल्ड रास्ते में ही। फिर ये क्या करती है, नीदरफील्ड चली जाती है, क्योंकि नीदरफील्ड जहाँ ये रास्ते में जा रही होती है वहाँ पे नीदरफील्ड ही पास होता है, इसलिए नीदरफील्ड चली जाती है। और जो बिंगले की फैमिली है, बिंगले का घर है, वहाँ ये रुक जाती है, ठीक है। तो जब बिंगले के घर ये रुकती है, जो बिंगले सिस्टर्स होती हैं, जो बिंगले सिस्टर्स होती हैं, वो इसको इग्नोर करती हैं। और ये जैसे ही इसकी खबर एलिजाबेथ पर पहुंचती है, जैसे इसकी खबर बेनेट फैमिली में जाती है कि जेन को कोल्ड हो गया है और वो जो है बिंगले के घर पे रुकी हुई है, तो एलिजाबेथ जो है बिंगले के घर पर विजिट करती है। एलिजाबेथ विजिट एट बिंगले होम। एलिजाबेथ कहाँ विजिट करती है? बिंगले होम। और जैसे ही ये विजिट करती है, अपनी बहन को देखने आती है, तो बिंगले की सिस्टर्स थोड़ी शॉक हो जाती हैं और इन दोनों का वो इंसल्ट करने लगती हैं, ठीक है। इस टाइप से होता है ना, जब आप किसी के घर रहने जाते हो और वो भी इस हालत में, जब आप बीमार हो, तो उस फैमिली के लोग आपसे डिस्टर्ब होने लगते हैं और आपको थोड़ा खड़ी कोटी सुनाने लगते हैं। तो इसी टाइप से बिंगले की सिस्टर्स ने बिहेव किया एलिजाबेथ और जेन के साथ, और इन दोनों की इंसल्ट भी की। इस बात से एलिजाबेथ दुखी हो जाती है और ये अपनी मदर को एक लेटर लिखती है। शी रोट अ लेटर टू हर मदर। ये अपनी मदर को कहती है कि आप यहाँ जल्दी आ जाइए, हम अपनी बहन को साथ लेकर घर लौटेंगे, ठीक है। तो जो इसकी मदर होती है मिसेस बेनेट, वो भी बिंगले के घर पर आ जाती है। और आगे क्या होता है, लेट मी टेक सम स्पेस। तो ये रहा बिंगले का होम नीदरफील्ड में। यहाँ पे अब जेन है, जो पैरिस से आई होती है बीमार होकर, उसको देखने के लिए एलिजाबेथ भी आ जाती है, और एलिजाबेथ के बुलाने पर अब उसकी मदर भी आ गई है, मिसेस बेनेट, ठीक है। तो अब क्या होता है, मिसेस बेनेट जो होती है वो नहीं चाहती है कि जेन घर वापस जाए, वो चाहती है कि मेरी जो बेटी जेन है
वो नीदर फील्ड में ही रुके और बिंगले और जेन का जो रिलेशनशिप है वो और ग्रो हो, वो ये चाहती है, ताकि इनकी शादी अच्छे से जल्दी से हो सके। तो मिसेस बेनेट क्या करती है, खुद एलिजाबेथ की इंसल्ट कर देती है और उसको सबके सामने खरी खोटी सुनाने लगती है। इस बात से एलिजाबेथ को और गुस्सा आता है और मिसेस बेनेट क्या करती है, डॉक्टर के साथ मिलकर जेन को थोड़ा और एडवाइस करवाती है कि वो 3-4 दिन और बिंगले के घर पर रुके। तो इस तरह एलिजाबेथ और जेन को 3-4 दिन और रुकना पड़ता है बिंगले के घर पर। और इसी और जब तक वो वहाँ रहती हैं, जो बिंगले की सिस्टर्स होती हैं वो इन दोनों की इंसल्ट हर रोज करती रहती हैं और उनको ये सहना पड़ता है। लेकिन बिंगले के घर पर एलिजाबेथ ने ये भी रियलाइज किया कि जेन की सबसे ज्यादा केयर सिर्फ बिंगले ही कर रहा है और उसके अलावा उस घर में उसकी केयर करने वाला कोई नहीं है। तो ये था सीन कि नीदरफील्ड में क्या हुआ, बेनेट के घर पे, सॉरी बिंगले के घर पे क्या हुआ और उधर लॉन्गबोर्न में क्या चल रहा होता है। हाँ, तो ये ड्रामा करके जो मिसेस बेनेट है वो वापस घर आ जाती है। फिर जब वो वापस घर आती है तो उसके जो हस्बैंड है मिस्टर बेनेट उसे इन्फॉर्म करते हैं कि मिसेस बेनेट ये इसको इन्फॉर्म करते हैं कि इनका एक कजन है मिस्टर कॉलिन, जो मैंने आपको मेजर कैरेक्टर में लिखवाया था, मिस्टर कॉलिन जो इसका कजन है वो हमारे घर पे आने वाले हैं कुछ दिनों के लिए, ठीक है, जैसे गेस्ट आते हैं उस टाइप से। लेकिन जो मिस्टर कॉलिन होते हैं वो सिर्फ घूमने नहीं आ रहे होते हैं, वो प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगने आ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि मिस्टर कॉलिन को पता है कि इनकी सिर्फ 5 ही डॉटर्स हैं और कोई बेटा नहीं है, तो प्रॉपर्टी फिर वो नाम किसके करेंगे। तो ये अपना हिस्सा मांगने आ रहे होते हैं इनके घर पर प्रॉपर्टी का। और जो मिस्टर कॉलिन होते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, नॉट वेल एजुकेटेड, ठीक है। और जब मिसेस बेनेट को पता, मिसेस बेनेट जानती है कि ये हमारा प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेने आ रहे हैं, अपना हिस्सा मांगने आ रहे हैं, तो वो इनको डिसलाइक करना स्टार्ट करती है। मतलब जो इनके जो इनका नेचर होता है वो मिस्टर कॉलिन के प्रति चेंज हो जाता है। तो जब ये मिस्टर कॉलिन इनके घर पे आते हैं, ये आते हैं सबसे मिलते जुलते हैं, ये तारीफ करते हैं, ही प्रेजेस देयर डॉटर्स, ये उनकी बेटियों की तारीफ करते हैं, ठीक है, घर की तारीफ करते हैं, फर्नीचर की तारीफ करते हैं और घर को अच्छे से देख रहे होते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो मिसेस बेनेट सोचती हैं कि ये इसलिए इस तरह देख रहे हैं क्योंकि इन्हें तो अपना हिस्सा चाहिए, ओके, तो ये अपना इस घर को अपना ही घर समझ रहे हैं, वो ये सोचती है। और जो इनका जो नेचर होता है मिस्टर कॉलिन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्श हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेबल हो जाता है और डिसलाइक हो जाता है, ये इनको पसंद नहीं करती है घर में, ठीक है। बट वेरी सून बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाता है कि मिस्टर कॉलिन का और क्या इरादा है। मिस्टर कॉलिन बताते हैं मिसेस बेनेट को कि मैं आपकी 5 बेटियों में से किसी एक से शादी कर लूंगा, ठीक है। तो ये खबर सुनते ही मिसेस बेनेट जो है बहुत खुश हो जाती है कि मिस्टर कॉलिन मेरी बेटी में से एक को चुनेंगे शादी के लिए। और जो मिसेस बेनेट का एटीट्यूड होता है, नेचर होता है कॉलिन के लिए, वो तुरंत बदल जाता है। अब इनका जो नेचर है इनके लिए बहुत ही ज्यादा लाइक और वैल्यूएबल हो जाता है, अब ये वैल्यू देने लगती है। तो अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट लोकेशन आती है मैरीटॉन की, ठीक है। मैरीटॉन का क्या सीन है वो मैं अभी डिस्क्राइब करती हूँ। तो ये मैरीटॉन कहाँ से आ गया बीच में वो मैं बताती हूँ। लॉन्गबोर्न में ही घर पर इनका सडनली प्रोग्राम बन जाता है, किनका, मिस्टर कॉलिन का और उनकी 4 डॉटर्स का, कि हम अपनी आंट के यहाँ घूम कर आते हैं। और उनकी आंट कौन होती है, मिसेस फिलिप, ठीक है, आंट कौन होती है, मिसेस फिलिप, जो मैरीटॉन में रहती है और ये इनके यहाँ घूमने जा रहे होते हैं। तो डॉटर्स में देखो कौन कौन साथ चलता है इनके, एलिजाबेथ, जेन, लीडिया और इनकी एक और कोई बहन, ठीक है। तो रास्ते में ये 2 लोगों से मिलते हैं, कौन है वो लोग, ऑन द वे दे मेट
डैमी। ये डैमी नाम के एक व्यक्ति से मिलते हैं जो कि कौन है, एक मिलिट्री ऑफिसर है। ठीक है, ये जो मिलिट्री ऑफिसर का जो ऑफिस है जहाँ पे ये लोग काम करते हैं लोकेशन में रह के, वो भी मैरिटॉन में ही है। ठीक है, और तो जो डैमी है वो इन लोगों को इंट्रोड्यूस कराता है अपने एक फ्रेंड से, मिस्टर विकेम। मिस्टर विकेम से डैमी इन सबको इंट्रोड्यूस करवाता है, और जो विकम है वो हमारी नोवेल का एक बहुत ही शाना विलन है। ठीक है, ये भी इन्हीं के साथ आर्मी में, मिलिट्री में वर्किंग होता है। तो चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं, आगे क्या हुआ इन सब के मिलने के बाद। सडनली उसी जगह पे, ऑन द सेम स्पॉट, बिंगले और डर्सी भी आ जाते हैं। ठीक है, बिंगले एंड डर्सी, अभी वो लोग अपनी आंटी के यहाँ पहुंचे नहीं है। ठीक है, जहां पे उन्हें विक्केम और डैमी मिले हैं उसी जगह पे थोड़ी से आगे जाके उनको बिंगले और डर्सी मिल जाते हैं। ठीक है, तो जब डर्सी एलिजाबेथ को देखता है तो वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, एलिजाबेथ भी थोड़ा इग्नोर अवॉइड करती है, लेकिन जो बिंगले है वो सबसे मिलता है और पर्टिकुलरली वो जेन से बातें कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है उसमें। लेकिन एलिजाबेथ एक बात नोट करती है, जो डर्सी है और ये जो विक्कम है ये एक दूसरे से आंख चुरा रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को अवॉइड कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने कैरेक्टर्स में बताया था कि विक्कम कौन है, डर्सी के पापा के जो मैनेजर थे, डर्सी के पापा के जो मैनेजर थे ये उनका बेटा था। ठीक है, तो इसी नाते ये दोनों साथ पले बड़े हैं, लेकिन फिर भी एलिजाबेथ नोट करती है। एलिजाबेथ को भी ये बात नहीं पता है कि विक्टम कौन है, डर्सी से रिलेटेड है या नहीं। तो एलिजाबेथ नोट करती है कि ये दोनों एक दूसरे से आंख चुरा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले डर्सी और विक्टम का फंडा क्लियर कर देती हूँ कि इनके बीच पास्ट में क्या हुआ था, और ये जो है विक्टम एलिजाबेथ को कैसे, किस तरह से अपना विलन रोल प्ले करेगा एलिजाबेथ के साथ। ठीक है, पहले आप विक्कम का थोड़ा पास्ट पे नजर डालो, डर्सी और ये विक्कम। ठीक है, जो डर्सी के पापा होते हैं, फादर जो होते हैं इसके, वो ना तो डर्सी में भेदभाव करते हैं और ना ही विक्कम में। ठीक है, हालांकि उन्हें पता है कि उनके मैनेजर का बेटा है और ये दोनों साथ ही रहते हैं, फिर भी ये विक्कम में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, और इसको भी अच्छा स्कूल में पढ़वाते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं, अच्छा रहन सहन इसको प्रोवाइड होता है विक्कम, सॉरी डर्सी के फादर की वजह से। ठीक है, तो डर्सी के फादर की इच्छा होती है कि विक्कम जो है चर्च का एक फादर बने, यानी कि प्रीस्ट बने, पादरी बने। लेकिन जो विक्कम होता है ये बहुत ही नलायक होता है, इसका ध्यान कुछ बनने में नहीं होता है, इसका ध्यान सिर्फ अयाशी में होता है, पैसों का गलत यूज करने में होता है और लड़कीबाजी करने में होता है। ठीक है, तो डर्सी के पापा क्या करते हैं कि डर्सी को और विक्टिम को चर्च रहने के लिए भेज देते हैं, ताकि जो विक्टिम है वहां पे फादर बन सके, यानी कि प्रीस्ट बन सके, पुजारी, पादरी चर्च। ठीक है, यहाँ पे ये आ गए डर्सी और विक्टिम। तो यहाँ पे ये लोग, ये दोनों रहने लगते हैं। तो जब ये यहाँ रहने लगते हैं तो विक्कम जो है डर्सी से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मुझे पुजारी पुजारी नहीं बनना है चर्च का, मैं जो है लॉ स्टडी करना चाहता हूँ। ठीक है, क्या स्टडी करना चाहता हूँ, लॉ। तो डर्सी कहता है ठीक है, तो तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए। तो विक्कम उससे पैसे मांगता है, तो लॉ की स्टडी के लिए जो डर्सी है उसे 1000 pounds दे देता है। लेकिन जो विक्कम है वो इस पैसों का गलत यूज करता है, वो ये सारे पैसे शराब में, अपनी अयाशी में और लड़कीबाजी करने में जो है उड़ा देता है, फिनिश कर देता है मनी को, सारा पैसा खत्म कर देता है। पैसा खत्म होने के बाद ये डर्सी से चर्च छोड़ने के लिए कहता है कि अब हमें घर वापस चलना चाहिए, अब हमें चर्च में नहीं रहना है। ठीक है, तो डर्सी मना कर देता है, और डर्सी को सब कुछ पता चल जाता है कि इसने पैसों का मिसयूज किया है।
तो जब डर्सी जो है चर्च छोड़ने से मना करता है और भी और पैसे देने से भी मना कर देता है, तो विक्रम जो है अपने मन में ही ये प्रॉमिस करता है खुद से कि वो अब जहाँ कहीं भी जाएगा हर जगह डर्सी की इमेज को स्पॉइल करेगा, हर जगह डर्सी की इमेज को वो गिराएगा, अपने झूठे झूठे बातें बताकर झूठी कहानियां सुनाकर वो डर्सी की रेप्यूटेशन को जो है गिरा देगा सबकी नजरों में। ये अपने मन में ऐसे ठान लेता है। तो विक्रम बदला लेने के लिए क्या करता है, डर्सी की बहन को अपने लव अफेयर में फंसाता है, डर्सी सिस्टर, ठीक है, विक्रम और डर्सी, ये इसकी बहन को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाता है। लेकिन जो डर्सी है वो समझ जाता है वो ये सब क्यों कर रहा है, तो किसी भी तरह वो अपनी बहन को जो है सेव कर लेता है और डर्सी की बहन अपनी बहन और विक्रम को एक साथ भागने से बचा लेता है, ठीक है। तो ये थी इनका पास्ट स्टोरी कि विक्रम के मन में इसके लिए क्या है और डर्सी के मन में इसके लिए क्या है, ठीक है। अब चलते हैं वापस से मैरीटॉन में, जहाँ पे ये विक्रम एलिजाबेथ से मिला है और अब उसे बहुत ही झूठी कहानियां सुनाने वाला है डर्सी के खिलाफ और भड़काएगा ताकि वो एलिजाबेथ डर्सी से और भी ज्यादा नफरत करने लग जाए, ठीक है। एक तो वो उसे पहले ही पसंद नहीं करती है, लेकिन अब ये सब सुनने के बाद वो उससे और नफरत करेगी। तो जैसे ही वो सब लोग मिल करके मिसेस फिलिप के यहाँ पहुंचते हैं, मिसेस फिलिप्स होम, ठीक है, तो यहाँ पर विक्रम अपना खेल रचता है, वो एलिजाबेथ के कान भरता है और इनके बीच क्या बातचीत होती है आप वो सुनिए, एलिजाबेथ और विक्रम, ठीक है, एलिजाबेथ और विक्रम, जो विक्रम है वो एलिजाबेथ को बताता है कि कैसे उसके साथ बचपन से ही डर्सी ने और उसके पापा ने अन्याय किया है, किस तरह से उसके साथ बचपन से ही भेदभाव हुआ है, ठीक है। डर्सी ये भी बताता है कि मेरे को जबरदस्ती वहाँ पे चर्च भेजा गया प्रीस्ट बनने के लिए, लेकिन सडनली से वो जो ओहदा था वो किसी और को मिल गया और इसको आर्मी ज्वाइन करना पड़ गया, ठीक है, मिलिट्री में इसको ज्वाइन करना पड़ गया। और ये बहुत ही और भी ज़्यादा बातें बताता है डर्सी और उसके पापा की, जिससे कि एलिजाबेथ डर्सी के अगेंस्ट और भी ज़्यादा भड़क जाए और नफरत करने लगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एलिजाबेथ का जो प्रेजुडाइज होता है, जो इसका पक्षपात होता है, वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है डर्सी के लिए, और अब वो डर्सी से अब वो और ज्यादा भेदभाव करने लगती है डर्सी में। विक्रम जो है डर्सी की बहन की भी बुराई करता है, वो कहता है कि उसकी बहन अच्छी है सुंदर है, लेकिन वो भी अपने भाई की तरह घमंडी है, ठीक है। तो ये डर्सी विक्रम और उसकी पूरी फैमिली की भी बुराइयां कर देता है, अच्छे से उसको भर देता है। फिर जब ये वापस से रिटर्न होती है, कहाँ, लॉन्गबोर्न घर पर, अब लॉन्गबोर्न आ गई है ये वापस अपने घर, यहाँ पर ये सारा चिट्ठा जितना भी ये कुछ सुनकर आई होती है विक्रम से वो जेन को बताती है, ठीक है। यहाँ पे जो एलिजाबेथ है जेन को बता रही है सब कुछ, सारी बातें, किसके बारे में, डर्सी के बारे में। लेकिन जो जेन होती है वो थोड़ी इंटेलिजेंट होती है और ये बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है सुनकर के बात को, और विक्रम की कही किसी भी बात का ये यकीन नहीं करती, ओके। तो अब वापस से हम अपनी लॉन्गबोर्न में आ जाते हैं घर पर एलिजाबेथ के, तो लॉन्गबोर्न में क्या होता है, मिस्टर कॉलिन स्टार्टेड प्रेजेस फॉर एलिजाबेथ मोर एंड मोर। मिस्टर कॉलिन एलिजाबेथ की बहुत ज्यादा तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, हर बात में उसकी तारीफ करने लगते हैं। तो एलिजाबेथ जो है समझ जाती है इंटरनली कि जो मिस्टर कॉलिन ने कहा था कि वो अपनी उनकी पांचों बेटियों में से किसी एक से शादी करेंगे, तो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए एज अ वाइफ मुझे चूज कर लिया है, इसलिए वो मेरी हर बात में तारीफ किए जा रहे हैं, ठीक है। और इधर जो मिसेस बेनेट होती है इनकी माँ,
वो एलिजाबेथ को इशारा करती है कि जो मिस्टर कॉलिन है तुम्हारे लिए परफेक्ट है, हस्बैंड बनने के लिए परफेक्ट है, तो तुम अपनी शादी की बात कर लो, ठीक है। लेकिन जो एलिजाबेथ होती है अपनी माँ के हिंट को, जो भी वो इशारे से कहती है उसे इग्नोर कर देती है और ऐसा शो करती है कि उसने उनका हिंट, उनका जो इशारा है वो देखा ही नहीं। तो इस लोकेशन पे बस इतना ही होता है। अब नेक्स्ट लोकेशन आती है हमारी वापस बॉल की, बॉल यानी कि लंदन में, ठीक है। अब ये वापस से हम कैरेक्टर्स जो है कहाँ जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं डांस वांस पार्टी वार्टी अटेंड करने। तो अब देखते हैं बॉल में क्या होता है। एट द बॉल, बॉल कहाँ है, लंदन, ठीक है। यहाँ पे ये सब लोग मिलकर के पार्टी करते हैं, डांस वांस करते हैं एक साथ। और जो मिस बिंगले होती है, मिस बिंगले यानी कि बिंगले की बहन जो होती है, वो एलिजाबेथ को कहती है, एलिजाबेथ को कहती है कि तुम विक्रम, अगर विक्रम तुमसे कुछ भी कहता है तो तुम उसकी बातों का यकीन मत करना, वो एक बहुत बड़ा झूठा है, ठीक है। क्योंकि मिस बिंगले पहले से ही उसके कैरेक्टर को जानती होती है। लेकिन जो एलिजाबेथ है इसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है और वो सिर्फ विक्रम की बात पे ही यकीन करती है, ठीक है, ब्लाइंड ट्रस्ट। तो इससे क्या पता चलता है, जो एलिजाबेथ है और जो विक्रम है, एलिजाबेथ धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगती है विक्रम की तरफ, क्योंकि ये इसका अटेंशन अपनी तरफ कर लेता है अपनी झूठी कहानियां सुना के, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। शी अट्रैक्ट्स स्टार्टेड शी अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स हिम, ओके। तो डांस के बाद क्या होता है बॉल में, नेक्स्ट डे, अगले दिन जो मिस्टर कॉलिन है वो एलिजाबेथ को प्रपोज करते हैं। ही प्रपोज टू एलिजाबेथ, प्रपोज्ड। लेकिन जो एलिजाबेथ है वो इनका प्रपोजल डिक्लाइन कर देती है और साफ मना कर देती है शादी करने से, ठीक है। ये क्या करती है, इनके प्रपोजल को डिक्लाइन, और गुस्से में ये वापस अपने घर लॉन्गबॉर्न आ जाती है, ठीक है। अब ये वापस गुस्से में अपने घर आई है लॉन्गबॉर्न, तो अब देखते हैं वहां क्या सीन चलेगा। I'm telling you कि आप इसके नोट्स साथ साथ बनाते चले, ठीक है, क्योंकि स्टोरी बहुत ही ज्यादा लोकेशन बदलती है तो आपको सीन ध्यान रखने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप नोटबुक लेकर ही बैठे तो बेटर है कि किस लोकेशन पे क्या इवेंट चला है और कैरेक्टर्स के बीच क्या बातचीत हो रही है, वो सब आपको रिकॉल होना चाहिए। तो यहाँ क्या होता है, एलिजाबेथ आकर सारा ड्रामा अपनी मदर को बताती है, जो भी पार्टी में हुआ कि मिस्टर कॉलिन ने उसे प्रपोज किया लेकिन उसने मना कर दिया, सब कुछ बता दिया। और इस बात से जो मिसेस बेनेट है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है एलिजाबेथ पे, ठीक है। वो एलिजाबेथ को डराती है, धमकाती है कि तुम कॉलिन को हाँ बोल दो, उनको एक्सेप्ट कर लो, ही वॉज अ गुड गाय, सॉरी ही इज़ अ गुड गाय। लेकिन जो एलिजाबेथ होती है वो बिल्कुल भी अपने डिसीजन पे, बिल्कुल भी अपना डिसीजन चेंज नहीं करती है, वो साफ मना कर चुकी होती है और अभी भी वो मना कर रही होती है, ठीक है। और जो इसके फादर होते हैं मिस्टर बेनेट, वो एलिजाबेथ के डिसीजन को एग्री करते हैं, वो अपनी बेटी से सहमत होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कि अब क्या करें, फैमिली सिचुएशन में आ गई है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, तो सडनली एलिजाबेथ के घर पे उसकी वो बेस्ट फ्रेंड आ जाती है, चार्लेटी लुकस, ये चार्लेट, ये एलिजाबेथ के घर पर आ जाती है मिलने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही इससे मिलती है, बात करती है, तो मिस्टर कॉलिन भी वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। और जो मिस्टर कॉलिन का अटेंशन होता है वो एलिजाबेथ से हट करके चार्लेटी पर चला जाता है, ठीक है। तो कॉलिन क्या है, लुक चार्लेट को पसंद करने लगते हैं और चार्लेट को ही वो प्रपोज कर देते हैं। ही प्रपोज्ड टू
टू चार्लेटी, और जो चार्लेट होती है इसकी फ्रेंड, वो इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, अब आप यहीं पे एक पॉइंट बना लो कि अब यहाँ पे एक पहला कपल बन गया नोबल में। ठीक है, फर्स्ट कपल बन गया है किसका, मिस्टर कॉलिन का और चार्लेट का, इनका कपल बन गया है क्योंकि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है और अब ये दोनों जो है अपनी शादी के अरेंजमेंट्स में जुट जाते हैं, अपनी शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। और जैसे ही ये सारी बातें मिसेस बेनेट को पता चलती हैं कि इन दोनों की प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है, तो मिसेस बेनेट क्या है, एलिजाबेथ पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कि तुम्हारे ना करने से ही ये जो है शादी फिक्स हुई है। और मिसेस बेनेट चार्लेटी पर भी बहुत गुस्सा करती है और चार्लेट की फैमिली पे भी बहुत गुस्सा करती है, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती।